कोलकाता नाइट राइडर्स की हार और राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। इन चार टीमों को हुआ बाहर होने का खतरा, तो एक टीम हो गई बिल्कुल बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 31वें मुकाबले की समाप्ति के बाद अब पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है, जहां पर कई टीमें अब बाहर होने की कगार पर आ चुकी हैं, तो कई टीमों के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के रास्तों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम किस नंबर पर है और कौन सा रास्ता कितने मुकाबले जीतने के बाद टीमें प्लेऑफ में पहुँच पाएगी, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में जगह पक्की करे, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अपनी फेवरेट टीम का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल को पूरी समीकरण शुरुआत से ही। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल सबसे आखिरी पायदान की टीम की हम बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम मौजूद है। आरसीबी ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ एक मुकाबले में इस टीम को जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास सिर्फ 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो वो -1.185 है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि इस टीम को अपने बचे हुए 7 में से 7 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के, यानी कि इस टीम की अब मात्र 5% चांस है कि यह टीम प्लेऑफ की तरफ पहुंच सकती है। लेकिन हाँ, हम मान सकते हैं कि यह टीम प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल मौजूद है। दिल्ली के हालात भी ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब तक 6 मुकाबलों में से ये टीम भी सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाई है, जबकि इनके पास 4 मुकाबलों में हार हैं। इसके साथ ही इनके पास 4 पॉइंट मौजूद है, तो नेट रन रेट अभी भी -0.975 है। इस टीम के पास अभी भी 8 मुकाबले बचे हुए हैं, जिनमें से अगर 6 मुकाबले ये टीम जीती है तो प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी। यानी कि फिलहाल दिल्ली कैपिटल के हम प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस की बात करें तो दोस्तों, अभी भी 25% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ की तरफ इस बार आगे बढ़ सकती है। वहीं पर पॉइंट टेबल में नंबर 8 पर मुंबई इंडियंस मौजूद है। मुंबई ने भी अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास भी फिलहाल सिर्फ 4 ही पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी भी -0.234 है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो अब इस टीम के भी पास 8 मुकाबले बचे हुए हैं, जिनमें से इस टीम को 6 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस कई बार ऐसा कारनामा कर चुकी है, जिसके चलते हम माने तो इस टीम के पास अभी भी 30% चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ की तरफ पहुंच सकती है। वहीं पर इसके बाद नंबर 7 टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने भी अब तक 6 मुकाबले खेले, जिनमें से सिर्फ 2 ही मुकाबलों में इस टीम को भी जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास भी फिलहाल सिर्फ 4 ही पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो -0.218 है। यानी कि पंजाब किंग्स की हालात भी बेहद ही ख़राब है। अब इस टीम को भी अपने बचे हुए 8 में से 6 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस टीम के प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस की हम बात करें तो इनके चांस भी फिलहाल तो मात्र 25% ही नज़र आ रहे हैं कि ये टीम भी प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। वहीं पर पॉइंट टेबल में नंबर 6 टीम की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस मौजूद है। गुजरात ने भी अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 ही मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते इनके पास फिलहाल 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो वो -0.637 है। यानी कि दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम को भी अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। यानी कि इनके प्ले ऑफ में पहुँचने के प्रतिशत की हम बात करें तो अभी भी 45% चांस है कि गुजरात टाइटंस की टीम इस बार भी प्ले ऑफ की तरफ क्वालिफाई कर सकती है। तो वहीं पर दोस्तों, पॉइंट टेबल में हम बात करते हैं नंबर 5 टीम की, तो यहाँ पर मौजूद हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 ही मुकाबलों में इस टीम को भी हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास भी 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो वो +0.038 है। यानी कि दोस्तों, हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तो अब इस टीम को भी अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस टीम के भी हम प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस की बात करें तो फिलहाल इनके भी 45% ही चांस बचे हैं कि ये टीम भी प्ले ऑफ की तरफ क्वालिफाई कर सकती है।
इसके बाद अब पॉइंट टेबल में हम टॉप फोर टीमों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है टॉप फोर में चौथे नंबर पर सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में इस टीम को बेहद ही शानदार जीत मिली है, जबकि सिर्फ 2 ही मुकाबलों में अब तक इस टीम को हार मिली है, जिसके चलते इनके पास फिलहाल 8 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि नेट रन रेट की बात की जाए तो वो +0.502 है। यानी कि इस टीम ने अपना आधा सफर तो प्ले ऑफ का तय कर लिया है और अब बचे हुए 8 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीतने के साथ ही यहाँ पर यह टीम क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि अब इस टीम के हम प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस की बात करें तो फिलहाल 75% चांस है कि इस बार सनराइज हैदराबाद की टीम अलग ही प्रकार का कमाल दिखाते हुए प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 3 टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहा है अब तक तो, क्योंकि 6 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में इन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि सिर्फ 2 ही मुकाबलों में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी 8 पॉइंट हैं, तो साथ ही नेट रन रेट +0.726 है। यानी कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स भी प्ले ऑफ का आधा सफर तय कर चुकी है और बचे हुए 8 मुकाबलों में से अब इन्हें भी सिर्फ 4 ही मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के भी चांस अब काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करें दोस्तों प्ले ऑफ में पहुँचने के प्रतिशत की, तो फिलहाल यहाँ पर 80% चांस है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि डिपेंडिंग चैंपियन अपने खिताब को डिपेंड करने के लिए एक और कदम करीब रखने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों आज के मुकाबले में जीत दर्ज करके कोलकाता नाइट राइडर्स के पास नंबर 1 टीम बनने का बेहतरीन मौका था, लेकिन इस टीम ने ये मौका गंवा दिया और अब इस टीम के पास भी 6 मुकाबलों के बाद 4 जीत हैं, जबकि 2 मुकाबलों में हार हैं, जिसके चलते अब इनके पास भी 8 पॉइंट हैं, लेकिन नेट रन रेट अभी भी इनकी +1.399 है, जो कि इनके लिए काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। लेकिन हम प्ले ऑफ की बात करें तो ये भी 6 मुकाबलों के बाद ही आधा सफर तय कर चुके हैं। यानी कि अब वे 8 मुकाबलों में से 4 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को भी जीतने हैं। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के भी अब 80% चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी इस बार। यानी कि धीरे धीरे ये भी अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के मुकाबले को अगर जीत जाते तो ये नंबर 1 बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजस्थान ने बाजी मार ली, जिसके चलते ये फिलहाल नंबर 2 पर मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों आज के मुकाबले में शानदार जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आईपीएल के पहला फेज खेला है, यानी कि 7 मुकाबले यानी कि आधे मुकाबले खेल लिए हैं और इन आधे मुकाबलों में ही इस टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो इनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि नेट रन रेट अभी भी इनकी +0.677 है। यानी कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को अपने बचे हुए अब 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। यानी कि राजस्थान रॉयल्स तो अपने दोनों पैर जमाती हुई नजर आ रही हैं प्ले ऑफ में। फिलहाल दोस्तों अब इस टीम की हम बात करें चांस की, तो 99.99% चांस है कि ये टीम इस बार प्ले ऑफ में हमें खेलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि 31 मुकाबलों के बाद आईपीएल 2024 में 4 सबसे मजबूत टीमें हैं, उनमें से सबसे मजबूत राजस्थान है, इसके बाद कोलकाता, चेन्नई और सनराइज हैदराबाद की टीम एक जैसी स्थिति में खड़ी है, इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन्स बीच में हैं, जबकि पंजाब, मुंबई, दिल्ली और आरसीबी के हालात बेहद ही ख़राब हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार कौन सी 4 टीमें हमें प्ले ऑफ में खेलती हुई नजर आएगी? आप हमें अपनी फेवरेट 4 टीमों के नाम कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।